तंदुरुस्ती विच अज साडे नाल ने डॉक्टर के राज कपूर। डॉक्टर साहब, अज असीं तुहाडे नाल एक बेहद सीरियस टॉपिक ते गल करना चाहुंदे आ, जो कि है HIV/AIDS। सारियां तों पहले साडे दर्शकां नूं दस्सो कि HIV हुंदा की है। HIV एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस 1 and 2। एंड एदे एक सीरियस बीमारी पैदा होंदी जिसनूं असीं एड्स कहिंदे आ, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एदे विच जिहड़ा पेशेंट दा अगर जदों भी एड्स हो जाए, अगर उस वक्त पेशेंट की जी इम्यूनिटी लैवल है, डिफेंस सिस्टम है, वह बड़ा वीक हो जाता है। ऑर्डनरी इन्फेक्शन भी उनका भी वो मुकाबला फिर नहीं कर सकता, और बहुत सीरियस डिजीज निमोनियाज वगैरह इस तरह की चीज़ा हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, बॉडी अंदरों कमजोर हो जाती है? हाँ जी, ये बॉडी बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि यदा जो डिफेंस सिस्टम है उन्हें एक किल करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है वायरस। तो डॉक्टर साहब, जिम्मे क्या कि HIV तो एड्स हो जाता है, तो सानू यह दसो कि HIV और एड्स के फर्क की है, क्योंकि आम तौर पर सारे यह सोचते हैं कि HIV एड्स एको चीज़ है। जो वायरस जो इंट्रोड्यूस होंगे बॉडी के अंदर, HIV इन्फेक्शन हो जाती है। यह तकरीबन 6 हफ्ते के ब्लड में आ जाता है, अगर तुम डिटेक्ट करना चाहो आफ्टर 6 वीक्स टू 8 वीक्स ये डिटेक्ट कर सकते हो HIV, अगर यू आर इन्फेक्टेड विद HIV। अच्छा, नाउ इट टेक्स सम टाइम फ्रॉम 6 to 8 वीक्स टू इवन 20 ईयर्स बिफोर यू कैन गैट एड्स। मेरा मतलब यह है कि एड्स होने वास्ते 6 हफ्ते तो लैके 20 साल तक भी कभी भी एड्स की बीमारी हो सकती है, जिन्होंने HIV की इन्फेक्शन है। डिपेंडिंग अपॉन द इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट, डिपेंडिंग अपॉन हिज केयर। कई बार इम्यूनिटी थोड़ी अगर बहुत लो हैगी है तो थोड़ा जल्दी इन्फेक्शन हो सकती है, इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो कई बार लेट भी हो सकती है, पर कई बार ये भी सानू नहीं पता है एक्चुअली कि क्यों कई बार इन्नी लेट भी हो जाता है। डॉक्टर साहब, सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी गल मैं पूछना चाहती हूँ है कि यह बीमारी लगती किमें? हाँ, ये बेसिकली सैक्सुअल रिलेशनशिप ना लगती है, इन्फेक्टेड पार्टनर हो गए या मल्टीपल पार्टनर्स होंगे ने, इन्फेक्टेड पार्टनर होंगे उतों लगती है, या फिर ये ब्लड ट्रांसफ्यूशन अगर वो इन्फेक्टेड ब्लड है जो HIV इन्फेक्टेड है वो ट्रांसफ्यूशन कर देता है तो वो भी हो सकता है। तीसरा यह है कि अगर इन्फेक्टेड नीडल्स है ने रीयूज हो जाती कई बार नीडल्स कई बार पेंडू थाई या कई बार उसी नीडल्स में रीयूज कर दे, ड्रग एडिक्स वगैरह ये रीयूज करते हैं नीडल्स में, इस करके भी ये इन्फेक्शन जी है एक पेशेंट तो दूसरे पेशेंट अगर वो इन्फेक्टेड हो गए जी। और चौथा जड़ा है कि वूंड टू ब्लड इन्फेक्शन भी है, सपोज किसी का ब्लड जिद इन्फेक्शन हो गया और किसी के वूंड नू लग जाए उतों भी यह चीज़ फैल सकती है। और पंजवा यह है कि बच्चा जोड़ा न्यू बॉर्न है, अगर मदर वो इन्फेक्टेड है एड्स HIV वो अपने बच्चे वो ट्रांसफर कर सकती है न्यू बॉर्न। तो डॉक्टर साहब, जिमें तुसी कहा कि यह बीमारी मतलब प्रेगनेंट लेडी तो वो बच्चे नू भी लग सकती है, तो इत्थे मैं जानना चाहवागी कि फिर यदा डायग्नोसिस की है कि जाँच कराई जाए कि पता लगे कि बीमारी लग गई है? हाँ जी, HIV जो वायरस है इसको डिटेक्ट करना पैदा है जी। पहले तो अभी स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं जिद वायरस की डिटेक्ट पता लगता है कि वायरस मौजूद है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट, इट इज़ नॉट 100% श्योर। फिर उस तो बाद कन्फर्मेशन टेस्ट आता है जिन्होंने असं वैसटर्न ब्लड टेस्ट कहते हैं, वो कन्फर्मेशन करता है कि HIV वायरस इस परसन है या नहीं है। लेकिन कि इस तो इलावा भी कोई यहोजे सिमटम्स ने जिन्हों वेख के या कोई यहोजे लक्षण जिन्हों तो पता लग जाए कि ये बंदे ने बीमारी हो गई है? HIV होने नाल कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें किसी तरह का कोई सिमटम हो, जो ये बीमारी एड्स की बीमारी बनती है उस वक्त फिर सिमटम जोड़े आने शुरू हो जाते। तो डॉक्टर साहब, यह तो तुम दस दिता कि HIV के कोई लक्षण नहीं होंगे, तो एड्स के कोई लक्षण मतलब कि कोई यहोजे सिमटम्स है एड्स के जिस तो पता लग जाए कि भी बंदे एड्स हो गया है? उस वक्त माइल्ड फीवर, पहली गल तो यह है कि हौली हौली फीवर, थोड़ा थोड़ा फीवर होता है। और दूसरा यह है कि प्रोग्रेसिव वेट लॉस, वजन जरा घटना शुरू हो जाता है, फिर एक क्रोनिक डायरिया, लूज मोशन वगैरह लग जाते हैं और काफ़ी देर तक क्रोनिक डायरिया जहाँ लगता है, पता नहीं चलता कि क्यों नहीं ठीक हो रहा। फिर उस तो बाद कॉम्प्लीकेशन आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। जिमें कि एक आदमी जल्दी बीमारी ठीक ही नहीं होंगी, निमोनिया हो गया तो निमोनिया जल्दी नहीं ठीक होया, कोई फोड़ा हो गया तो फोड़ा नहीं जल्दी ठीक होया। तो यह मतलब बॉडी रिजिस्ट नहीं करती, मतलब बीमारी ठीक नहीं होंगी? नहीं ठीक होंगी, क्योंकि HIV थोड़ा इम्यूनिटी बड़ी लो लैवल बहुत लो होंगे। और पंजवा है कि लिम्फेडोनाइटिस, असं कहते लिम्फेडोनोपैथी। लिम्फेडोनोपैथी का मतलब यह है कि जिन्हें भी ग्लैंड ने तकरीबन वो सारे सुज जाते हैं। तकरीबन मेजर जो सिमटम यही है जो कि एड्स के सिमटम। तो डॉक्टर साहब, हूँ यह दसो कि इस बीमारी का की कोई ट्रीटमेंट है, बीमारी का कोई इलाज है? यही सब तो खतरनाक चीज़ यदि है कि एक बीमारी है कि यदा कोई क्योर नहीं है, लेकिन इसकी कन्वर्जन जी है HIV तो एड्स टू कन्वर्जन उन्होंने डिले की जाती है, और ये वास्ते एंटीवायरल ड्रग्स जिन्होंने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी असं कहने वो दी जाती है, अजकल बड़ी सस्ती है एंटीवायरल थेरेपी जी है, और तकरीबन 50 रुपये महीने का खर्चा होंगे है। जितने भी HIV पेशेंट्स ने यह उन्होंने लेना जरूरी है, ये उन्होंने जी एड्स की बीमारी है वो डिले हो सकती है।
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਨੀਡਲਸ ਸਰਿੰਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਸਰਿੰਜਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਿੰਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਿੰਜਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ HIV ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਬਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਉਸ ਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰੇਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਨਗੜਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਛੂਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਏਡਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੈਂਡ ਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਸਕੀਟੋ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਗਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਟਾਇਲਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ, ਕੋਈ ਟਿਪ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਲਾਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਰੱਖੋ ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਰੱਖੋ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਹੈ, ਡਾਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਪਾਓ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, HIV ਔਰ ਏਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ।